Hi everybody, I am Nirmal Chaudhary, Director of Destination Target English, and today I am going to explain you about a very simple topic, that is CAN. CAN बहुत आसान सा चैप्टर है. इसमें हिंदी में आपको सकता का आवाज आएगा, वहां आप कैन प्लस फर्स्ट फॉर्म यूज करिए और आसानी से आप सेंटेंसेस बना सकते हैं. आप यहां देख सकते हैं सभी के साथ में कैन प्लस फर्स्ट फॉर्म लिखा है, जो काम आप कर सकते हैं. आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ. आपसे कोई भी पूछे आप इंग्लिश बोल सकते हैं. अगर आपको सकता का आवाज आ रहा है तो आप उसमें आसानी से बता सकते हैं आई कैन, और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आप यूज करके सेंटेंसेस के द्वारा कोई भी बात आप बोल सकते हैं. आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ. यू कैन डू दिस वर्क, यू मतलब होता है तुम ये काम कर सकते हो. वी कैन डू एवरीथिंग, हम सब कुछ कर सकते हैं. दे कैन कम इन पार्टी, दे मतलब होता है वे पार्टी में आ सकते हैं. सब में सत्ता का आवाज आएगा इसमें. यू कैन रन फास्ट, वह तेज दौड़ सकता है. लड़की है तो शी यूज कीजिए. शी कैन कुक फूड, वह खाना बना सकती है. रवि कैन रन कंप्यूटर या ऑपरेट कंप्यूटर आप यूज कर सकते हैं. रवि कंप्यूटर चला सकता है या ऑपरेट कर सकता है. इंडिया कैन विन टुडेस मैच, भारत आज का मैच जीत सकता है. सभी में आपको सकता, सकते, सकती की आवाज आएगी यहाँ पर, और इजीली आप सेंटेंसेस बना सकते हैं. माय ब्रदर कैन हेल्प यू, मेरा भाई तुम्हारी मदद कर सकता है. एवरीवन कैन गेट सक्सेस, एवरीवन मींस हर कोई कामयाबी पा सकता है. गेट मतलब पाना, कैन प्लस फर्स्ट फॉर्म. सकता के लिए आप इजीली कैन प्लस फर्स्ट फॉर्म का यूज करके सेंटेंसेस बना सकते हैं. नेगेटिव बहुत आसान है इसका, आपको कुछ नहीं करना है. सिर्फ कैन के बाद में जो हेल्पिंग वर्ब होता है उसके बाद नॉट यूज करना है, और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब रहेगा यहाँ पर मना करने के लिए. आई कैन नॉट स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश नहीं बोल सकता हूँ. बोल सकता हूँ तो आई कैन स्पीक, मना करना है तो सिर्फ नॉट लगा दीजिए, आई कैन नॉट स्पीक इंग्लिश. आई कैन नॉट ड्राइव कार, मैं कार नहीं चला सकता. आई कैन नॉट राइट इंग्लिश, मैं इंग्लिश लिख नहीं सकता. आई कैन नॉट रन फास्ट, मैं तेज नहीं दौड़ सकता. आप ऐसे कई सेंटेंसेस आसानी से यहाँ पर बना सकते हैं. यू कैन नॉट डू दिस वर्क, तुम ये काम नहीं कर सकते हो. वी कैन नॉट गो देयर, हम वहां नहीं जा सकते हैं. देयर मतलब होता है वहां. दे कैन नॉट कम इन पार्टी, वे पार्टी में नहीं आ सकते हैं. ही कैन नॉट रन फास्ट, वह तेज नहीं दौड़ सकता है. शी कैन नॉट कुक फूड, वह खाना नहीं बना सकती है. रवि कैन नॉट रन कंप्यूटर, रवि कंप्यूटर नहीं चला सकता है. इंडिया कैन नॉट विन टूडेज मैच, भारत आज का मैच नहीं जीत सकता है. माई ब्रदर कैन नॉट हेल्प यू, मेरा भाई तुम्हारी मदद नहीं कर सकता है. एवरी वन कैन नॉट गेट सक्सेस, हर व्यक्ति कामयाब नहीं हो सकता है, कामयाबी नहीं पा सकता है. इट इज वेरी इजी, जस्ट कैन प्लस फर्स्ट फॉर्म, मना करना है तो कैन नॉट का यूज करके आप जिस काम को नहीं कर सकते हैं वो आप बता सकते हैं. क्वेश्चन इट इज ऑल्सो वेरी इजी, यहाँ देख सकते हैं मैंने क्वेश्चन दिया है, इसमें हाँ का जवाब भी दिया है, ना का जवाब भी दिया है. कैन से क्वेश्चन बनेगा, कैन यू प्ले, क्या तुम खेल सकते हो. इसका आंसर बिल्कुल सिंपल है, आपको आंसर में भी कैन बोलना है. यस आई कैन प्ले, मना करना है आई कैन नॉट प्ले. क्या तुम खेल सकते हो, हाँ मैं खेल सकता हूँ, नहीं मैं नहीं खेल सकता हूँ. आपके पास क्वेश्चन भी है, हाँ का जवाब भी है, ना का जवाब भी है. आप सिर्फ यहाँ पर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म चेंज करके आसानी से प्रैक्टिस कर सकते हैं. सभी के साथ मैंने बताया आपको कैन का यूज करना है. यहाँ देखिए ही और शी से मैंने क्वेश्चन बनाया है. कैन ही रन लड़के के लिए ही, लड़की के लिए शी यूज होगा. ही का जवाब ही में दे दीजिए, शी का जवाब शी में आएगा. कैन के जवाब में कैन आ गया है, रन. यस ही कैन रन, यस शी कैन रन, शी कैन नॉट रन, ही कैन नॉट रन. क्या वह दौड़ सकता है या सकती है, लड़की की बात कर रहे हैं तो हाँ वह दौड़ सकता है, नहीं वह नहीं दौड़ सकता है. वी मतलब होता है हम, दे मतलब होता है वे, एक से ज्यादा लोगों के लिए. इसमें भी कैन से क्वेश्चन बनेगा और कैन में ही आंसर आएगा. कैन वी डू दिस वर्क, क्या हम यह काम कर सकते हैं. वी के जवाब में वी आ जाएगा, दे के जवाब में दे आ जाएगा. कैन के जवाब में कैन लगाना है, फर्स्ट फॉर्म सभी में आएगा इसमें. यस वी कैन डू दिस वर्क, नो वी कैन नॉट डू दिस वर्क. दे है तो दे से आप यहाँ पर बना सकते हैं. कैन इंडिया विन टूडे, क्या भारत आज जीत सकता है. यस इंडिया कैन विन टूडे, नो इंडिया कैन नॉट विन टूडे. इट्स वेरी सिंपल, क्वेश्चन में भी कैन है, आंसर में भी कैन आएगा. वर्ब का आपको फर्स्ट फॉर्म यूज करना है. सिर्फ हिंदी में अगर सक्तावाद आ रहा है, आप एक इंग्लिश का वर्ड ध्यान रखें, कैन प्लस फर्स्ट फॉर्म, और इजीली यू कैन मेक प्लेंटी ऑफ सेंटेंसेस. आई होप दिस चैप्टर इज क्लियर टू यू नाउ, एंड इसे आप रेगुलर लाइफ में यूज करें. जैसे यदि आपसे कोई कुछ भी पूछता है और उसमें अगर हिंदी में आपको सक्ता बोलना है तो आप उसमें कैन प्लस फर्स्ट फॉर्म का यूज करके इजिली आप सेंटेंसेस बना सकते हैं. इफ यू एंजॉयड दिस वीडियो, प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, पढ़े पढ़ाएं, देश को आगे बढ़ाएं. थैंक यू, हैव अ नाइस डे.